अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 99 न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ुबैर और आज हम मौजूद हैं एक्सपो पे, जहाँ पर बिल्डर्स के कराची के माने जाने और नामवर बिल्डर्स ने जो है अपनी बिल्डिंग्स के प्रोजेक्ट्स लगाए हुए हैं, वो उन्हें यहाँ पर एग्जीबिशन के लिए भी लगाए हुए हैं, लोग अपनी मार्केटिंग के लिए भी यहाँ पे आए हैं और आवाम का रज बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है कि वो किस तरीके से आज जो है इस दिन को यादगार बनाती हैं, अपने लिए अपना घर, अपना ख्वाबों का घर यहाँ से जो है वो अप्रूव करके जा सकती हैं। और दीगर बिल्डर्स जो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी हम आपको मिलवाएंगे, तो रहिए हमारे साथ। मौजूद है डिवाइन बिल्डर्स के सीईओ अमजद हुसैन जानजुआ। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा आपसे सवाल है कि व्हाट इज डिवाइन बिल्डर्स, कब से काम कर रहे हैं आप लोग डिवाइन बिल्डर्स के? वालेकुम सलाम मैडम, कैसे हैं आप? ठीक है। डिवाइन बिल्डर्स अल्हम्दुलिल्लाह 2002 में हमने बैरेटोन इस्लामाबाद से अपना बिजनेस का आगाज किया और उसके बाद हम लोग कराची तक आए हैं और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बैरेटोन के अंदर हम अपना जो है ना प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। डिवाइन बिल्डर्स के अब्रेला के नीचे हमारे 8-10 प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनमें पार्क विस्टा, सफारी विस्टा, सरे फहरिस्त। वाह, तो सर मैं चाहूँगी कि आप अपने किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट की खसूसियत बताएं कि लोग अट्रैक्ट होकर वहाँ पर खुद ही खींचे चले आए। जी मैडम, देखिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद जो है ना मैंने बाहर का अब्रॉड का काफ़ी विजिट्स किए थे तो मैं ये सोच रहा था कि कराची में एक ऐसी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जो कि इंटरनेशनल लेवल की होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे दोनों हाईरेज प्रोजेक्ट हैं, पार्क विस्टा और सफारी विस्टा, इनके अंदर स्विमिंग पूल, चाइल्ड प्ले एरिया, डेडिकेटेड पार्किंग और कमर्शियल एरिया, ये सारी फैसिलिटी मौजूद हैं जो कि इंटरनेशनल लिविंग स्टैंडर्ड में होती हैं। वो सारी फैसिलिटीज़ हम लोग दे रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर जो कि बैरेटोन के एक बहुत ही ज़बरदस्त एक लोकेशन पे लोकेटेड है हमारे प्रोजेक्ट, जो कि थीम पार्क के बिल्कुल अपोजिट है हमारा पार्क विस्टा और डेंजो पार्क जो डे एंड नाइट सफारी जू है उसके बिल्कुल अपोजिट हमारा सफारी विस्टा का प्रोजेक्ट है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारा पार्क विस्टा का और सफारी विस्टा के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत तेज़ी के साथ काम उन पर जारी है। हमारे पार्क विस्टा का ऑलमोस्ट हाफ जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो चुका है और सफारी विस्टा के हमारे तकरीबन 6 फ्लोर कंप्लीट हो चुके हैं। सर ये एक आवाम का सवाल है कि बिल्डर्स जब प्रोजेक्ट लेकर आते हैं तो वो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं कि 3 साल में आपको उनका प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं, तो आप इस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं? मैडम आपने बहुत अच्छा सवाल किया। एक्चुअली आपको तो पता है कि हमारे मुल्क के अंदर ना प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं,
हालांकि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी माशाल्लाह बहुत हमें फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, इदारों की तरफ से हैं, गवर्नमेंट की तरफ से हैं। उसके अलावा आपको पता है कि लास्ट ईयर जो कोरोना के ये दो साल जो गुजरे हैं, बहुत लोग इफेक्ट हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने पंजाब के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर हमने अपने प्रोजेक्ट्स कम्प्लीट किए और यहाँ पर भी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हमारी ये कोशिश है कि हम जल्द से जल्द कम्प्लीट करें। अदरवाइज़ अगर कोई प्रॉब्लम हैंडल्स आती है गवर्नमेंट की तरफ से, या कोई जिस तरह कोरोना की बीमारी है, या कोई पैनडामिक आ जाए, या कोई और प्रॉब्लम आए, उस पर काम बंद होता है। अदरवाइज हमारा काम इंशाल्लाह बंद नहीं होता, ना हम करेंगे। इट्स अ डिवाइन से रिलेटेड पूछेंगे जी, दुआ मुझे बताएं जरा डिवाइन को आप किस तरह से डिफाइन करेंगे? आई थिंक आई वुड डिफाइन डिवाइन बिल्डर्स एज वेरी सक्सेसफुल, और इनके जो भी प्रोजेक्ट्स हैं माशाल्लाह हमारे प्राइम लोकेशन पर हैं, एंड देन द बेस्ट थिंग इज़ कि हमारे सारे प्रोजेक्ट्स ग्रे स्ट्रक्चर पर हैं। वी हम किसी क्लाइंट को ये इस तरह से नहीं बोलते कि हाँ आप आ जाए हमें हमारे पास इन्वेस्ट करने, नो दिस इज़ नॉट आवर पॉलिसी। हम ग्रे स्ट्रक्चर पर काम करते हैं और ग्रे स्ट्रक्चर ही हमारा है जो अट्रैक्ट करता है कस्टमर्स को। तो कराची में जो प्रोजेक्ट्स इस वक्त अभी चल रहे हैं, तो आप उनके बारे में थोड़ा सा बताएं डिटेल। इनकी इन तक डिटेल यही है कि जो इनकी लोकेशन है इज़ जस्ट 2 मिनट्स ड्राइव अवे फ्रॉम द मेन गेट, ठीक है। तो किसी को प्रॉब्लम्स नहीं होगी कि बहुत अंदर है डिवाइन बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स या ऐसे कुछ, दे आर ऑल ऑन प्राइम लोकेशंस, सो दैट्स द बेस्ट थिंग। और फिर अट्रैक्टिव इनके जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, दे आर वेरी अट्रैक्टिव, वेरी यू नो यहाँ पे एमिनिटीज बहुत अच्छी हैं, तो दैट्स द होलसम एक आपको चीज़ मिल रही है बैरिया टाउन की तरफ से, डिवाइन बिल्डर्स की तरफ से। इस वक्त हमारे साथ मदिया अयाज मौजूद है, जो कि बीडीओ डिवाइन फोक आर्केड की आई है। मदिया बताएं हमें कैसा चल रहा है आपका एक्सपो में एग्जीबिशन? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग वैसे तो अपने प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेशन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ एक्सपो के जो हमें एक्सप्लोजर करने को मिल रहा है, दैट इज़ सो अमेजिंग। व्हाट वी रिसीव, व्हाट वी सी, इट्स टोटली ऑथेंटिक। और हम अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को वो फैसिलेट कर रहे हैं कि आए हमारे, हमें विजिट करें, अपने डिस्काउंट रेट्स को अवेल करें। जो हम अपने डिस्काउंट रेट्स एक्सपो में लेकर आए बिल्ड होम की तरफ से, उसको अवेल करने की कोशिश करें, रादर दैन दैट कि हम उन क्लाइंट्स को प्रिच्योर करें जो ज़्यादा पोटेंशियल है। चार दीवारी ढूंढना कितना मुश्किल है, लेकिन बहरिया आपको वो फैसिलिटी दे रहा है जो आम बंदा अपने नॉर्मल लाइफ में भी गुजार बसर नहीं कर सकता। बढ़िया, मेरा आपसे सवाल है कि कराची में माशाल्लाह आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, बहरिया में चले तो आउट ऑफ सिटी भी है कोई प्रोजेक्ट? आउट ऑफ सिटी में हम काम नहीं करें, हम बहरिया इस्लामाबाद भी डिलीवर कर आ चुके हैं और रावलपिंडी भी डिलीवर कर आ चुके हैं, उसके बाद हम कराची में आए। बहरिया की आवाम कितना खुश है डिवाइन बिल्डर से? वो तो आप आए आपको पता लगेगा, डिलीवर प्रोजेक्ट है हमारा, सेटिस्फाई क्लाइंट है हमारे, ऑलरेडी मिडवे कमर्शियल में कमर्शियल बिल्डिंग डिलीवर कर चुके हैं, और हमारी जितनी भी लोकेशन है ग्रे स्ट्रक्चर रेडी है, प्राइम लोकेशन है, जैम लोकेशन है, 2 किलोमीटर की दूरी से मेन गेट से। सबसे ज़्यादा एडवांटेज ये देंगे कि 2 किलोमीटर की दूरी में, और हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं हम सारे प्रोजेक्ट उस जगह रखे हुए हैं जहाँ फैसिलेट कर सकें। इम्तियाज आपको वहाँ मिलेगा, हॉस्पिटल आपको वहाँ मिलेगा, आपको पेट्रोल पम्प वहाँ मिलेगा, यानी आपको कन्वीनियंसी है, एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने के लिए तमाम सहूलियत मौजूद है।